गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया में। दोस्तों आज संडे है और एक बार फिर हमारी संडे की राइड है, बाइसिकल राइड है। आज का जो हमारा प्लान है, हम जा रहे हैं हुमायूं टॉम्ब, और जो हुमायूं टॉम्ब का ओपनिंग आवर्स आई थिंक 8 बजे का है, तो अभी हम 6 बजे यहाँ से हमारे जनकपुरी से निकलेंगे। तो असेंबलिंग पॉइंट हमारा हमेशा वही है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हम सारे राइडर अभी इकट्ठा हो रहे हैं, उसके बाद हम निकल जाएंगे हुमायूं टॉम्ब के लिए। और रूट हमारा धौलाकुआं से ही रहेगा, धौलाकुआं होके ही हम जाएंगे। तो आज का डिस्टेंस मोर देन 50 किलोमीटर होने वाला है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है आज के लिए। और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है, अभी से पसीने आ रहे हैं, तो जब बाइसिकल चलाएंगे तो कितने पसीने आएंगे। तो हमारी सारी बाइसिकल रेडी हैं, तो मैं मिलवा देता हूं अपने दोस्तों से। ये हमारे रोहित भाई। हेलो जेडी भाई, क्या नाम है भाई का? नीतीश। हेलो सुनीत और क्षितिज। तो एक राइडर रह गया है, उसका वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही वो आता तो हम निकल पड़ेंगे। काफ़ी लेट हो चुके हैं, 6:05 या 6:10 हो चुके हैं, 6 बजे जबकि निकलना था। अभी हम हैं जेल रोड पे, और ये मतलब कि इंडिया की या आई थिंक एशिया की सबसे बड़ी जेल है यहाँ हमारे मेरे राइट हैंड पे, तिहाड़ जेल। और हम उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो अभी हम दिल्ली कैंट की तरफ जा रहे हैं। तो हम इस समय तकरीबन 7-8 राइडर्स हैं, और कमल भाई हमें धौलाकुआं पे मिलेंगे, तो वहाँ से हम फिर इकट्ठे होके चलेंगे आगे। और रोहित भाई पूरा अपना दमखम लगाते हुए ताकत से, अभी जाते समय तो कोई दिक्कत नहीं है, आते हुए कुत्ते फेल। अभी हम थिमैया पार्क के पास से होके गुजर रहे हैं। और दिल्ली कैंट एरिया क्रॉस करते हुए हम सब राइडर्स, पीछे हमारे रोहित भाई, जेडी। ये होटल मौर्या मेरे साइड में, होटल मौर्या आईटीसी मौर्या। बस वाले भी मारेंगे क्या साले, चिपका के चला रहे बस। ये नहीं, थोड़ा साइड से। ओ रोहित भाई, अभी 11 मूर्ति को हम क्रॉस कर रहे हैं, और नेक्स्ट हमारा जो हॉल्ट होगा वो 3 मूर्ति पे हमने रखा है। 3 मूर्ति पे जाके थोड़ा फोटोग्राफी करेंगे और वहाँ पे हॉल्ट करेंगे, 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, और उसके बाद आगे चलेंगे। और यहाँ पे वेदर का काफ़ी ठंडा हो चुका है, और बाइसाइकिल चलाने में बहुत काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये कुछ ढलान भी है, धौलाकुआं से अगर हम 11 मूर्ति की तरफ आते हैं तो काफ़ी ढलान है, अपने आप बाइक भागती है। ये हमारे राइडर आगे। दोस्तों अभी हम 3 मूर्ति पे पहुंच चुके हैं, ये देखिए ये है 3 मूर्ति, जो कि एक सर्कल काफ़ी बढ़िया पार्क में बनाई गई है।
तो यहाँ से अब हम निकलेंगे अपना सफदरजंग की तरफ और वहाँ से आगे हुमायूं टॉम, और वो 8 बजे तक आई थिंक खुल जाएगा हुमायूं टॉम, जो इसका ओपनिंग टाइमिंग है। और ये हमारे सारे राइडर्स फोटोग्राफी करते हुए। Here we go. ये मेरे लेफ्ट हैंड पे इंदिरा गांधी मेमोरियल है, यहाँ पे जहाँ पे इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी, तो इनका मेमोरियल बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये सफदरजंग रोड पे है, 3 मूर्ति से सफदरजंग रोड पे। हमारे लेफ्ट हैंड पे सफदरजंग टॉम है, जो सबसे पहले हमारी राइड थी बाइसाइकिल राइड, वो सफदरजंग टॉम की थी। और अभी हम जा रहे हैं लोधी रोड पे, और उससे आगे फिर हम पहुंचेंगे हुमायूं टॉम। गाइस, वी आर रीच्ड हुमायूं टॉम। ये एंट्री गेट है और यहाँ पे 35 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ती है, तो हमने, और ऑनलाइन टिकट है सिर्फ, आप पेटीएम से पे कर सकते हैं और उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। तो हमने पे कर दिया है 7 लोगों की 245 रुपीज़, और ये कोड है जिससे स्कैन करके आप पेमेंट करेंगे। और ये मेरे पीछे एंट्री गेट, यहाँ से एंटर करेंगे। और हमने हुमायूं टॉम में एंटर कर लिया है, और काफ़ी खूबसूरत है हुमायूं टॉम, जो उनका मकबरा है एज़ आज कंपेयर कर सकते हैं ताजमहल का कॉपी है, मतलब कि इसको देख के ही ताजमहल का डिज़ाइन बनाया गया था। तो इसमें लाल पत्थर लगा हुआ है, वैसे वहाँ पे संगमरमर है, ये डिफरेंस सिर्फ ये है। और ये मेरे सामने है एंट्री गेट, सामने देखिए। दोस्तों ये है बू हलीमा गेट, जो मकबरे बगीचे से मकबरे का रास्ता जाता है, ये बू हलीमा गेट इसको कहते हैं। और मेरे बिल्कुल जस्ट सामने है हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा। और ये मेन गेट है आपका हुमायूं का मकबरे का, हम एंटर कर रहे हैं जिसमें। और ये देखिए विशाल दरवाजे। तो गाइस ये मेरे पीछे देखिए हुमायूं का मकबरा, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है और बहुत ही शानदार, चारों तरफ का व्यू है, गार्डन है और सब कुछ बहुत ही शानदार है। ये हमीदा बानू बेगम ने बादशाह हुमायूं की याद में बनवाया था, तो आई थिंक ये 1565 ईस्वी में बना था, 1565 में, 1565 AD में ये बनवाया गया था। हमीदा बेगम जो हुमायूं की वाइफ थी, उन्होंने बनवाया था हुमायूं की याद में। और चारों तरफ का व्यू देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत गार्डन और स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, बहुत ही शानदार हिस्टोरिकल प्लेस है हमारा, और दिल्ली का एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही शानदार। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और ड्यू टू कोविड आजकल बहुत कम टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन वैसे जनरली यहाँ बहुत ही आते थे। और ये फाउंटेन है जो अभी बंद है, लास्ट टाइम आया था तो फाउंटेन चल रहा था, लास्ट टाइम हम बाइक ट्रिप में आए थे तो यहाँ पे ये फाउंटेन चल रहा था।
दोस्तों अभी हम खड़े हैं हुमायूं टॉम पे और ये है हुमायूं का मकबरा जो 1565 में बनने शुरू हुआ था और 1572 पे बन के तैयार हो गया था और ये हुमायूं जो बादशाह था उनकी याद में बनाया गया था। तो इसके चार दरवाजे हैं, चारों दरवाजे सेम सिमेस्ट्री बनी हुई है, चारों तरफ गार्डन है, बहुत ही शानदार गार्डन है, चार फाउंटेन्स हैं, जिस साइड पे भी जाएंगे तो सेम लुक नज़र आएगा। तो मैं अब थोड़ा अंदर का इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, अंदर क्या क्या है। ये हम एंटर कर दिए हैं गेट से, ये देखिए ऊपर देखिए पूरा व्यू है ये अंदर का। और यहाँ पे मेन हुमायूं का जो मकबरा बना हुआ है वो है यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ। ये है वो मकबरा हुमायूं टॉम और ये चारों तरफ का व्यू। मेन जो इसका स्ट्रक्चर है हुमायूं टॉम का बहुत वही देखने वाला है, बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है। तो अब हम चलते हैं बाहर। तो इसमें मोस्टली सारे मकबरे ही बने हुए हैं। तो गाइस हम ऊपर से आ गए नीचे, तो समय जो हुआ है 8:45 हो चुका है, तो हमें मोर देन 1 आवर हो गया है यहाँ पे हुमायूं टॉम को एक्सप्लोर करते हुए। तो काफ़ी शानदार स्ट्रक्चर है ये हुमायूं टॉम और मोस्ट विजिटेड प्लेस है दिल्ली का, टूरिस्ट प्लेस है। तो कभी भी आप दिल्ली आएँ तो आप इस हुमायूं टॉम को ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत ही अच्छी फील आएगी। तो अब हम चलेंगे वापसी अपनी घर को। तो गाइस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। अभी कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए आए हैं हम मार्चा मार्ग, यहाँ पे कोई एक चाय पकौड़े की दुख शॉप है, वहाँ पे हम थोड़ा रिफ्रेशमेंट करेंगे। फ्रेंड्स अभी रिफ्रेशमेंट हो गया है और अब हम निकल रहे हैं अपने घर की ओर। तो काफ़ी अच्छा रिफ्रेशमेंट था, हमने ब्रेड ऑमलेट लिया, किसी ने ब्रेड पकौड़ा, समोसा, लस्सी, चाय, सब कुछ खाया पिया। तो अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो अंत में दोस्तों राइड हार्ड राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद।